अस्सलाम वालेकुम, मेमन न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा सुलेमान और इस वक्त हम मौजूद हैं ऑर्चिड बैंक्वेट करीमाबाद कराची में, जहाँ पर ओखा T20 चैम्पियन लीग का इनेकाद किया जा रहा है। आइए चलते हैं, आपको चल के दिखाते हैं। अपना मेमन भाई किल्ली उड़ाएगा कौन, मेमन भाई क्रिकेट जिताएगा कौन, अपना मेमन भाई जीत के मैदान को सर पे उठाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है, जितने भी टीम आएगी खेलने खेलने से पहले ही पहले ही उनको हराना है। सुन मेरे यार, मैच प्यार से खेलेंगे, राइट स्टंप कर ले दो सिंगल डबल ले लेंगे। तुम मेरे यार। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखा T20 चैम्पियन लीग सीजन 1 रेड कारपेट में और हमारे साथ मौजूद हैं ओखा T20 के डायरेक्टर जाकिर वयानी और अम्मार ममदानी। आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना मुझे इंट्रोडक्शन देंगे। अम्मार अमीन सर, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। सर, आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद क्या था? ये हमारी बिरादरी में टूर्नामेंट नहीं हो रहे थे, इस वजह से हमने सोचा कि लड़कों का कोई एक इवेंट होना चाहिए। सारी मेमन बिरादरी के टूर्नामेंट हो रहे हैं अलग अलग, तो इस वजह से हमने सोचा कि हमारा भी ओखाई मेमन जमात का भी एक टूर्नामेंट होना चाहिए। सही, तो सर आप क्या समझते हैं इस इवेंट की जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इससे यूथ में जो है वो किस तरह आप देखते हैं कि यूथ में कैसी चीज़ें आ सकती हैं, यूथ में क्या चेंजेस ला सकती है? मैम, अच्छा रिस्पांस मिला है हमें यूथ की तरफ से भी काफ़ी, और हमारे पास तकरीबन 120 लड़कों की रजिस्ट्रेशन हुई हैं और मज़ीद भी हमारे पास बैकअप में और भी लड़के थे, लेकिन हमने उनको सेकेंड एडिशन की तरफ मूव कर दिया है क्योंकि हमारा क्राइटेरिया कम्प्लीट हो चुका था और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर हमने एंट्री भी क्लोज़ कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और उम्मीद करते हैं हम कि तमाम कम्युनिटी हमारा साथ देगी और इंशाल्लाह टूर्नामेंट को हम ऐसे ही सक्सेस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सर आप मुझे बताएंगे कि एज लिमिट क्या है, कहाँ किस कौन सी एज से लेके कौन सी तक की लोगों ने अप्लाई किया? मैम, इमर्जिंग कैटेगरी हमारे में 16 से 22 साल तक में, और 22 साल से जो हमारी कैटेगरी जा रही है 40-45 तक, क्योंकि हमारे पास जो सीनियर प्लेयर्स हैं हमारी कम्युनिटी क्रिकेट के, तो हमने उनको भी साथ रखा हुआ है क्योंकि जूनियर और सीनियर का कम्बिनेशन होगा तो ही क्रिकेट अच्छी मिलेगी और जूनियर्स को सीनियर से सीखने का मौका मिलेगा। सही, तो सर आप इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं इस लीग को? सर, इन फ्यूचर मैं इंशाल्लाह कराची की अच्छी लीग्स में इनको शुमार करता हूँ और डे बाय डे इसको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।